आदमपुर क्या बोल रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं गांव मोहब्बतपुर में। और मेरे साथ गांव के मौजूद लोग हैं, ये गांव की चौपाल है, चौपाल के बाहर बैठे हुए हैं। सभी पार्टियों की यहां बातें होती हैं और सिर्फ इसी बात पर चर्चाएं चल रही हैं कि किसको वोट देगा, कौन आगे है, कौन पीछे। गाँव के लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी, क्या कर रहे हो? खेती बाड़ी। तो जैसे किसानों की अभी चौटाला कह रहे थे वे किसानों, मैं तो बाद में आया हूं, मैं तो हाँ चलो, किसानों के लिए तो चौटाला परिवार ही तहसील रहा है, देवीलाल ने किसानों के लिए काम किए, किसका माहौल है? जो पीछे की सरकार थी ना, जिद रही है। हाँ, बाकी माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का है तो किसान भी बीजेपी को वोट देगा? हाँ, अच्छा, बीजेपी को देगा। मतलब बजलाल परिवार के साथ है, बीजेपी के साथ है। अच्छा हाँ, लेकिन बीजेपी तो किसान ढाई साल बच्चे बताओ भी ये हाँ। ढाई साल और आगे सरकार की इवकर काम करवाओगा नहीं हाँ। तो आगे फिर आ जाएगा हाँ। काम की बात है, काम न करवाया नहीं इवकर हाँ। तो आगे को नहीं भव्य विष्णु आगे नहीं आया फिर। अच्छा हाँ, पक्का ये है? पक्का है। यानी कि ये कह रहे थे कि उस परिवार की एक मियाद, ये तो बेरा नीला, आपने मियाद फाइनल कर दी। हाँ, मतलब बजलाल यही है हमारे अंदर में, तो यही उम्मीद है कि ढाई साल और सरकार के रह रहे काम करवाओगा आदमपुर हल्के में है। तो अगली बार फिर आ जाएगा। अच्छा, काम नहीं करवाया तो आ रहेगा फिर आ। यानी कि बजलाल परिवार ऐसा नहीं है कि यहाँ जीता रहेगा, हार भी सकता है। हाँ, हार भी सकता है तो अच्छा, कोई और आ जाए नेता और गणी नेते। अच्छा अच्छा, ये बताओ जैसे जेपी वहाँ से कलायत से अब यहाँ आया, हालांकि पहले भी चुनाव लड़ चुका है, कौन जान दे गम में कितने वोट है उसकी? गम में तो है, वोट तो है। अच्छा चलो, उसने बीजेपी के नहीं उतने वोट को नहीं, उतने को नहीं हाँ। बीजेपी के ज्यादा है हाँ। किसाना में भी सब में सब में। चलो, आपका शुभ नाम? प्रताप है। किसका माहौल है गांव में? माहौल सबका ही है, सबका है। कूड़ाराम नंबरदारी की पोजीशन है? बढ़िया है, बढ़िया है। और जेपी की? जेपी बढ़िया है। बिश्नोई दोनों को है कि वो हल्का मेरा है, तो हल्का तो है ही उसका, मेरा ही घर है, मेके बताऊँ तो घर तो है ही हाँ, ये हमारा चौक है तो चौक है ही। बताऊँ कौन भारी है गांव में? भारी सारे ही है। अच्छा, बड़ी चाणक्य नीति की तरह बात कर लग रहे हैं। भाऊजी नमस्ते। नमस्ते भाई। शुभ नाम भाऊजी? देवीलाल। देवीलाल जी, नाम बहुत गजब का आपका, और महापुरुष जननायक हुए हैं हरियाणा में। गांव में किसका माहौल भाऊजी? भाई जो जो समर्थक है नहीं पुराने हिसाब में जी, वे अपने अपने उसने वोट देवेगे जी, कोई जी तो कोई किसी के 150 प्रति ज्यादा आ जाएगी हाँ, कोई किसी का। कौन भारी है? जेपी का माहौल है या आज के जमाने में भारी कौन है, ये आप ही कौन बताने लग रहे भाई? किसके उसमें हम वो पता करना रहे हो? जेपी के आदमी हो के कुलदीप के हो के चौटाला के हो के, हमें कौन बताओ हमने? नहीं, हम तो न्यूट्रल है, सबकी बात जाना। हाँ, हम न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल ही, ये सारे उ जो वोटर है आज का वोटर सारे न्यूट्रल है जी, कोई किसी का भेद नहीं देना सारा, कोई भी है भेद ना देने तो ले कोई बात को नहीं। अच्छा, पर मतलब ऐसा है जो भी आवे ना सबका स्वागत करा हम तो। नहीं, वो तो ठीक है जी। अभी कुलदीप बिश्नोई का है कि जैसे 28 साल का बनवास हम काटने जा रहे हैं, काम करवाएंगे भाई। कुलदीप कुछ भी कहे, जेपी कुछ ही कहे जी, चौटाला कुछ ही कहे, ये तो कभी गए अपने अपने गीत गावेगे जी है, और वोट मांगेगे जी, जो जिसकी आत्मा चाहोगी वो वोट दे देगा। चलो जी, विकास कराओगा उसमें वोट मिलेंगे जी, और जो सो जाएगा वोट लेके। राम राम। आपका शुभ नाम? सुल्तान। किसका माहौल लगा हूँ मैं? माहौल लगा कोई मेरा नहीं थी। अच्छा, कोई पता नहीं। जेपी भारी पड़ेगा या कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप पड़ेगा भारी, कुलदीप सरदाम जीता था हमने, मेरा को नहीं। अच्छा, बागल मना दे फिर उन लोगों ने। नहीं, वो तो हल्के में तो इस गांव में कौन से भारी है? कुलदीप भारी है। अच्छा, क्या कारण है लगातार जैसे पहले कांग्रेस में था, ये बीजेपी पार्टी बदल ली उसने? हमें बताओ क्या कारण है, हम क्या बताओ, हम सारा गांव में फिरो, हम बताओ के क्या रहे? नहीं, आपका गांव है हाँ, गांव में काम करिए, बदलाल के बहुत काम कर रही है। अच्छा, जो सुना ही है भजन बजलाल के काम है वो लगातार, उसकी कोई मियाद है कि कब तक वो बजलाल के काम गिनती होती मियाद की के मेरा पढ़ाई तो तीसरी पीढ़ी तो बन लग रही है जी, हरी बागे की के बताऊं, और तीसरी पीढ़ी जीतेगी, जीतेगी है जी। पक्की। बहुत दिन नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम? निरंजन लाल। निरंजन लाल जी, आप बताओ जैसे इन्होंने कहा कि बजलाल के काम कराया उड़ा उसी के दम पर ये तीसरी पीढ़ी जीतेगी है? हाँ जी। अच्छा, बजलाल का काम किया हुआ है? नहीं, वो तो बहुत पुराना जमाना हो लिया बजलाल का काम तो उसी की चलती है वो, चलती रहेगी है। कब तक चलेगी यार? देखो अभी कब तक चलेगी वो। अच्छा,
क्या उम्मीद है वो बजलाल का दौर ये परिवार दोबारा आ सकता है? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देख कांग्रेस में तो ये मुख्यमंत्री पद का दावेदार था कुलदीप बिश्नोई, अभी नई पार्टी में आए हैं और उसमें फिर छोरा इस नाके कर दिया। देख कोई भी टक्कर बराबर की है, लेकिन उम्मीद कुलदीप लड़के की गांव में जेपी की पोषण है कांग्रेस की उड्डा की बराबर की टक्कर। अच्छा गांव में बराबर की टक्कर है, भारी नहीं है कोई सा भी है? कितनी वोट है गांव में? मन को नहीं, मेरा जिम्मा तो बारह नहीं आ गई। अच्छा कितनी वोट है बाबा गांव में? 3200। 3200 है, 2500 तो ऊपर पोल हो जाती होंगी। ढाई हो जाए देखो पोल का तो मेरा कुछ और बुजुर्ग हैं इनसे बात करेंगे, ये मन की बात करना चाहेंगे तो चलो उनसे बात करेंगे। कुछ और बुजुर्ग हैं और यहाँ ये बात करना नहीं चाह रहे हैं। और गांव के ये उस समय के जो लोग हैं जिन्होंने बजलाल को भी देखा हुआ है। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते बाबा, क्या नाम आपका? रणजीत है। गांव में किसका माहौल है? गांव में तकदीर आप ले जाएगी। अच्छा और बिश्नोई का बजलाल का पोता चुनाव लड़ रहा है, देगा ले वोट क्यों कर दिया? अच्छा दे देगा उसे ने भवेन है नहीं? भवेन है, एक ही वोट है मेरे कहने, एक ही दूंगा और क्या दूंगा। अच्छा चलो बाबा अपना नाम बताओ। प्रहलाद है। प्रहलाद प्रहलाद जी, किसका माहौल गांव में ये बताओ? के मेरा ही, हम तो घरे बैठे रहे बेरा हम नहीं। अच्छा माहौल का हमने तो वोटड़ा देना वो एक दे दे हम तो। अच्छा ये गांव के लोग जैसे लोग कह रहे हैं कि भजनलाल परिवार ने हल्का में काम करवा रखे हैं, गांव में भी नौकरियां दे रखी हैं, कि उसी का माहौल ज्यादा लग रहा है, तीसरी पीढ़ी में भी क्या वही चलता रहे? बजलाल ने रजवाया निकाला गाँव में। अच्छा जो गुदड़ा बिछाया बैठा पैदा हो जी। चलो ये और बाबू जी नमस्ते, कौन ही बोल सके? बोलने की कौन जा के बात? नाम बताओ। मोकम। अच्छा कितनी उम्र होगी? 72 का। 72 के हैं। बजलाल के लिए मुलाकात हुई आपकी कदे? अंधी रहा अपनी। अंधी रहा कर दी। किसने वोट दोगे? किसका माहौल है? और भी घने ही है। अच्छा अच्छा ये बताओ उड्डा का है कि मैं गांव में माहौल जेपी की वोट है? अच्छा चलो आप बताओ जी कांग्रेस का क्या माहौल है गांव में? भाई साहब जी सभी की अपने अपने वोट है। अच्छा सभी के जो योग्य इंसान है वो अपने बोले। किसका कांग्रेस का माहौल है, बिश्नोई का माहौल है? सभी का है, सबका है, अपना अपना सभी का है। अच्छा भाई बड़ी रणनीतिक तरीके से बात कर रहे हैं, मोहब्बत वाला गांव है और खुल के बात नहीं बता रहे हैं और सवालों की जलेबियां, मतलब जो सवाल है उसका जवाब है, जवाब की जलेबियां उतार दी हैं और चाणक्य नीति की तरह जवाब दे रहे हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।